वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। इसमें कमरे में घुसवा बल्ले वाले में उस वाले में बल्ले वाले कमरे में। आप लोगों से अनुरोध है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। आप लोग पुलिस और वन विभाग को आप लोग सहयोग कर रहे हैं, सुबह से सहयोग कर रहे हैं। आपसे और अनुरोध है कि आप भीड़ का नियंत्रण करें और शोर कृपया बिल्कुल ना करें। जितना शोर करेंगे और वन्य जीव जो है उसमें डिस्टर्ब होता है। आप लोग बिल्कुल अपना शांति बनाए रखें। ऑपरेशन जारी है और जल्दी आप लोगों को सक्सेस इसमें मिलेगी। मार्केट
गया चल गया। अरे मुझे भी लग रहा वो बोल रहा कि नहीं लेपर्ड की सूचना प्रातःकाल सुबह 8:30 से 9 के बीच में वन विभाग को प्राप्त हुई, जिसके बाद में टीम यहां पर पहुंची और एक घर में तेंदुआ छुपा हुआ था। पूरी प्लानिंग के साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में जाल भी लगाया गया। हम लोग उसको ट्रैंकुलाइज करने ही वाले थे, जैसे कि उसमें बीच में इतना शोर हम लोगों का हो गया, तेंदुआ घबरा के दोबारा से बाहर निकलाया है। दोबारा से उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से जाल लग गए हैं। पूरी प्लानिंग हम लोग दोबारा से फ्रेश तरीके से कर रहे हैं। 2-3 टीमें और हम लोगों ने बाहर से भी बुलाई हैं, ताकि हम लोगों को अभाव रिसोर्सेज का ना रहे। और आप तो देख पा रहे हैं कि हम लोग पूरे उससे लगे हुए हैं कि हम लोग इसको रेस्क्यू कर पाएँ, सेफली रेस्क्यू कर पाएँ। पब्लिक से भी अपील है कि पब्लिक शोर ना मचाए, जितना शोर करेंगे उतना ही वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा एग्रेशन आता है, स्ट्रेस में होता है। जितना एनिमल स्ट्रेस में होगा उसको पकड़ने में उतना ही हम लोगों को परेशानी होती है। हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस हैं हम लोगों को कि हम लोग इसको आराम से ट्रैंकुलाइज करके, या जैसे भी हम लोग को मौका लगेगा, इसको हम लोग रेस्क्यू करके सेफली रिलीज़ कर पाएंगे। और आप लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिए कि भीड़ हम लोग भीड़ का नियंत्रण कर पाएँ। थैंक यू। अभी ऐसा कोई सूचना हम लोगों को नहीं है कि किस तरफ से आया है, क्योंकि ये सीज़न गन्ने के कटने का होता है। शुगर केन फील्ड्स में जनरली तेंदुए आ जाते हैं इस सीज़न में, और ये कटान का जब समय होता है तो वो हैबिटेशन वाले एरियाज़ में भी कभी कभार आ जाते हैं। ऐसा प्रायः हम लोगों ने उत्तर भारत में देखा है, तो ये एक नॉर्मल इंसिडेंस है। लेकिन हम लोगों को जान माल की सुरक्षा और तेंदुए की सुरक्षा दोनों को देखते हुए हम लोग ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पर पूरे सुबह से ही मौजूद हैं, पूरी टीम मौजूद है, वन विभाग, पुलिस की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम। जी बिल्कुल, उसमें बहुत सारी चीज़ें ट्रैंकुलाइजिंग करते टाइम हम लोगों को प्लानिंग करनी होती है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ साथ में हैं। हम लोग जैसे भी प्लानिंग के साथ में वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू किया जाता है, एक SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग अपना रहे हैं। उसी के हिसाब से हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस प्रोग्राम। सर, एक ही लेपर्ड ट्रैक हुआ है और भी होने? नहीं, बिल्कुल एक ही लेपर्ड है जो यहाँ पर देखा गया है, उसी की लोकेशन हम लोगों ने ट्रैक की है, और हम लोग ये ऑपरेशन अभी जारी है। थैंक यू। हाँ भैया, तेंदुआ पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई, तेंदुआ है। किचन में मैं खाना बना रही थी, किचन की खिड़की में से मैंने देखा कि हमारे गेट पर कोई बड़ी सी चीज कूदी है। मैं ये नहीं समझ पाई कि है क्या, पूंछ दिखाई दी। उसके बाद हमारे घर के बाहर ये शेड पड़ा हुआ, उस पर आवाज आई। मैं किचन का अपना गैस बंद करके मैंने कहा देखती हूँ बाहर क्या चीज थी ये। बाहर निकली तो मेरे को बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी साइड से, उन्होंने कहा अंदर जाओ अंदर जाओ। मैं अंदर आ गई लेकिन ये नहीं समझ पाई कि है क्या। फिर मैंने अपने बेटे को उठाया, उनसे कहा, मैंने कहा बेटा देखना बाहर कोई बड़ी सी चीज आई है, कोई ये नहीं पता है क्या। बेटा बाहर निकला, उसने जैसे ही गेट खोलने को हुआ उसकी नज़र पड़ गई हमारे गेट के अंदर ही साइड से, वो छुपा हुआ बैठा था तेंदुआ। ये भी डर का सहमे हुआ ये अंदर आया, इसने गेट बंद करा। आगे जो अड़ोस पड़ोस था, फिर इसने फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे तेंदुआ है और हमारे घर के अंदर ही बैठा हुआ है ये। घर के अंदर मेरी दोनों बहुएं थी, मेरा बेटा था, पोतियां थी मेरी, और मैं भी थी। मैं भी, ये लोग तैयार हो रहे थे, ये भी स्कूल जाने के लिए, बच्चे भी। वो तो शुक्र है कि अगर 2-4 मिनट बाद ही वो होता तो शायद पता नहीं क्या होता। उस समय सब घबराए हुए थे, सब दहशत में थे कि करें तो करें क्या, और हकीकत में फोन करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसको क्या करो। लेकिन पुलिस को फोन किया, हमारे पड़ोस वालों ने, सब बाहर से करा लोगों ने।
पुलिस ये तो पुलिस वाले बाहर ही थे और हमें दिख भी रहे थे, हम किचन से देख रहे थे। उन्होंने फोन करके भी कहा घबराओ नहीं, हम लोग आ गए हैं किसी चीज के, दरवाजा मत खोलना, आप अंदर बंद होकर बैठे रहो। हैं जी, अब धरे हुए तो अब भी हैं क्योंकि अभी वो पकड़ में तो आया नहीं है। हालत तो ये भी है, कितना समय यहाँ तेंदुए ने 1.5-2 घंटे बिताए हैं यहाँ, पूरे 1.5-2 घंटे बताए, उधम नहीं काटा उसने, शांत बैठा हुआ, वो डरा हुआ था। 8:10-8:15 के बीच का टाइम है, 8:15 जब उसकी एंट्री हुई है, 8:15 का टाइम था और वो 10 बजे के बाद करीब यहाँ से निकला है।